In today's class, we are going to explain, we are going to learn how to find out the least count of various instruments. वर्नियर कैलिपर्स आप लोग यूज करते हैं, स्क्रू गॉज है, स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, सो वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स दैट वी यूज, आप सबको उन सबका सबसे पहले लीस्ट काउंट निकालना है. तो हम एक एक करके वो सारे लीस्ट काउंट्स आज सीखेंगे कैसे निकालें. इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीस्ट काउंट एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द लीस्ट काउंट ऑफ वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स. तो लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट मतलब सबसे छोटी मेजरमेंट जो हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल अगर हमने ये मीटर स्केल लिया है तो इससे सबसे छोटी जो मेजरमेंट हम कर सकते हैं वो कितनी कर सकते हैं? 0.1 सेंटीमीटर्स. इसका मतलब क्या हुआ? हम डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक ही वैल्यू को ले सकते हैं. जैसे आप जब लिखते हैं तो आप क्या लिखते हैं कि किसी भी चीज की लेंथ कितनी है, लेट्स से 3.1, 3.2 या आप लिखते हैं 16.7. हम डेसिमल के सेकेंड प्लेस तक नहीं लिखते क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक ही हमको वैल्यू देता है. अब अगर हमें निकालना है कि ये हमने कैसे निकाला 0.1, उसका क्या तरीका होता है लीस्ट काउंट निकालने का? अगर आप ध्यान से देखें इसके अंदर हमारे पास बड़ी बड़ी डिविजन्स हैं, जैसे 36, 37, 38, 39, दे आर ऑल बिग डिविजन्स एंड इन बिटवीन द बिग डिविजन्स वी हैव 10 स्मॉल डिविजन्स. इफ यू लुक एट हियर बिटवीन 37 एंड 38 वी हैव स्मॉल डिविजन्स एंड दे आर 10. So the formula to calculate the least count is, if I subtract the difference of two big divisions, that is, subtract two big divisions or the difference of two big divisions, divided by the number of divisions in between them. इसका मतलब क्या हुआ? अब अगर हम यहां पे कोई भी दो बिग डिविजन देखते हैं, लेट्स से अगर हम देखते हैं 30 एंड 31, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 31 माइनस 30 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डिविजन बिटवीन देम विच इज 10. तो इसका मतलब 31 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 10, यूनिट्स कितने हैं? सेंटीमीटर्स, दैट इज 1/10 इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर्स. तो इससे हमारे पास क्या आ गया? लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल कम्स आउट टू बी 0.1 सेंटीमीटर्स. दैट मीन्स वी कैन मेजर टिल फर्स्ट प्लेस ऑफ डेसिमल, टिल फर्स्ट प्लेस आफ्टर डेसिमल. अब सेकेंड इंस्ट्रूमेंट जिसकी हम लीस्ट काउंट निकालेंगे और देखेंगे कैसे निकालते हैं वो है वर्नियर कैलिपर्स. ये जो इंस्ट्रूमेंट मैंने पकड़ा हुआ है ये वर्नियर कैलिपर्स है. ध्यान से देखिए इसमें दो स्केल हैं हमारे पास, एक ये है मेन स्केल और एक हमारे पास मूवेबल स्केल है जो कि मेन स्केल पे मूव कर रहा है. और आप देखिए यहाँ पे नीचे दो जॉज हैं और ऊपर भी हमारे पास दो जॉज हैं. तो अब हम क्या करते हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दो स्केल है हमारे पास, एक बड़ा वाला स्केल विच इज द मेन स्केल और ये जो छोटा वाला है द स्केल इज नोन एज द वर्नियर स्केल. ओके, दिस इज नोन एज वर्नियर स्केल. अब अगर हम देखते हैं यहां पे तो इन दिस वर्नियर स्केल यहां पे इसके अंदर हमारे पास 10 डिविजन्स हैं. और अगर हम और ध्यान से देखते हैं तो ये जो 10 डिविजन्स हैं ये 9 डिविजन्स ऑन द मेन स्केल के साथ कंसाइड कर रही हैं. ये जो 10 डिविजन्स हैं ये 9 मेन स्केल डिविजन्स के साथ कंसाइड कर रही हैं. तो
तो अब अगर हमें लीस्ट काउंट निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स आर कंसाइडिंग विद 9 मेन स्केल डिविजन्स. तो 1 वर्नियर स्केल डिविजन इज इक्वल टू 9/10 मेन स्केल डिविजन. और जो फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट निकालने का, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिविजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिविजन. तो अब अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 1 मेन स्केल डिविजन माइनस, ऊपर से अगर हम देखते हैं, 9/10 मेन स्केल डिविजन. और इसको यूज करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आ गया? 1/10 मेन स्केल डिविजन. अब अगर हम देखें तो ये मेन स्केल डिविजन कितना है, उसके लिए वापस हम वर्नियर कैलिपर्स देखते हैं. मेन स्केल डिविजन मतलब सबसे छोटी डिविजन विच कैन बी मेजर्ड फ्रॉम दिस मेन स्केल. कितनी है वो? विच इज नथिंग बट लाइक अ मीटर स्केल, 0.1 सेंटीमीटर्स. इसका मतलब 0.01 सेंटीमीटर्स. तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज नथिंग बट 0.01 सेंटीमीटर्स और 0.1 mm. इसका मतलब यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स वी कैन मेजर टिल सेकेंड प्लेस ऑफ डेसिमल विच वॉज नॉट देयर इन द केस ऑफ मीटर स्केल. तो वर्नियर कैलिपर्स का एडवांटेज है कि हम टिल सेकेंड प्लेस ऑफ डेसिमल तक भी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं. अब इसको अगर हम यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे इस वुडन ब्लॉक की विड्थ निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगी? इसको मैं इसके बीच में होल्ड करूंगी. मैंने इसको यहाँ पे होल्ड किया, मैं देखूंगी यहाँ पे कि ये जो वर्नियर डिविजन है, वर्नियर स्केल पे जो हमारी फर्स्ट डिविजन है वो कौन सी मेन स्केल डिविजन के साथ कंसाइड कर रही है. जो ये फर्स्ट वर्नियर की डिविजन है वो कौन सी, बेसिकली जीरो जो है हमारी वो कितनी मेन स्केल के साथ कंसाइड कर रही है या कौन सी दो मेन स्केल के बीच में है. तो हम अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो ये फर्स्ट डिवीजन है ये 3 और 3.1 के बीच में लाई कर रही है, ये लाई कर रही है 3 और 3.1 के बीच में, बिटवीन 3.0 and 3.1 centimeters. इसका मतलब the width of this block is lying somewhat between 3 and 3.1 which I can find out using this vernier calipers. So once I have note down, अब इन दोनों में से मैं अपनी और formula क्या होता है निकालने के लिए, the true reading or the total reading is equal to main scale reading plus n into the least count. ये क्या है मेरी, इसको बोलते हैं main scale reading. Main scale reading. और n क्या है? n is the vernier division which is exactly coinciding with main scale division and LC that is the least count. तो अब हमको ये तीनों चीज इस में देखनी है कि main scale reading कौन सी है, because हमारा formula क्या है, main scale reading plus n into LC. अब इसमें हम देखते हैं कि मेन स्केल रीडिंग कौन सी है. अभी हमने देखा कि ये जो हमारी फर्स्ट डिवीजन है ये 3 और 3.1 के बीच में लाई कर रही है, तो हमारी मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी 3 प्लस एन वो वर्नियर डिवीजन जो कि किसी भी मेन स्केल रीडिंग के साथ एग्जैक्टली कंसाइडिंग है. अब हमें देखना है कि ये जो वर्नियर डिवीजन है इनमें से कौन सी डिवीजन
इन किसी भी मेन स्केल रीडिंग के साथ कंसाइड कर रही है. अब अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे जो फिफ्थ डिवीजन है वो मेन स्केल रीडिंग के साथ कंसाइड कर रही है, तो हमें डिवीजन का जो नंबर है वो एन की जगह पे लिखना है. ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो फिफ्थ डिवीजन है वो एग्जैक्टली कंसाइडिंग कर रही है मेन स्केल डिवीजन विच इज 3.5 के साथ. तो हम यहां n को लिखेंगे 5 और लीस्ट काउंट हमारी कितनी है 0.01 सेंटीमीटर्स. तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 3.0 प्लस 0.05 सेंटीमीटर्स विच इज 3.05 सेंटीमीटर्स. इसका मतलब जो विड्थ है हमारे बॉक्स की दैट इज लाइन बिटवीन 3.0 एंड 3.1 विच इज 3.05 centimeters, and we are able to measure at the second place of decimal only because of the use of vernier calipers, जो कि हम meter scale से नहीं कर पाते. Okay, उसके बाद अब हम देखते हैं कि इसी तरह अगर हमें इसकी length निकालनी हो तो हम इसको ऐसे hold कर सकते हैं यहाँ पे vernier calipers को. इसको हम ऐसे होल्ड करेंगे, हमें बहुत ज़्यादा प्रेस भी नहीं करना है और इसको आराम से होल्ड करना है. अब अगर हम इसकी लेंथ को देखते हैं तो इसकी लेंथ अगर हम देखें तो अगर आप जूम करेंगे इसको तो आप देख पाएंगे कि ये एग्जैक्टली तो ये एग्जैक्टली 7.1 के साथ इसकी फर्स्ट डिवीजन कंसाइड कर रही है 7.1 के साथ. तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि इसके अंदर अब क्या है कि हमारा जो मेन स्केल है वो है 7.1 सेंटीमीटर्स, तो n हमारा 0 ही हो गया, लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर्स. तो अब अगर हम इसकी ट्रू रीडिंग देखते हैं तो ट्रू रीडिंग विल कम आउट टू बी 0.01 centimeters, which is nothing but 7.1 centimeters. So here the main scale reading is the true reading itself. So simple. The next instrument जिसका कि हम least count निकालेंगे वो है screw gauge. अब आप देख रहे हैं कि ये जैसे instrument है screw gauge, इसको मैं move कर रही हूँ तो you can see कि इसमें हमारे पास एक है ये circular scale जो कि मेरे घुमाने पे move कर रहा है rotating. और उसके साथ में आप देख रहे हैं कि जब मैं इसको मूव कर रही हूँ तो यहाँ पे एक मुझे ये एक लीनियर स्केल भी दिख रहा है जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे ग्रेजुएशंस हैं. इफ यू कैन सी 0 और 5, यू कैन सी 0 और 5 के बीच में हमारे पास यहाँ पे तो इट गोज एज 0 then 1 2 3 4 5, वी हैव ग्रेजुएशंस इन बिटवीन 0 and 5 एंड देन इट गोज एज 10. तो इसको हम बोलते हैं सर्कुलर स्केल और इसको हम बोलते हैं लीनियर स्केल इस वाले को. एंड आप देख रहे हैं कि जब मैं इसको घुमा रही हूँ तो यहाँ से इट इज़ गेटिंग यहाँ पे गैप आ रहा है, ये खुल रहा है यहाँ से. इसके बीच में आई कैन पुट अप द थिंग जिसकी कि मुझे कुछ भी मेजरमेंट करनी है. तो लेट्स से कि मुझे इस वायर का डायमीटर ही निकालना है तो मैं इस वायर का डायमीटर इस स्क्रू गेज से निकाल सकती हूँ. ऐसे इसको होल्ड कर लिया और मैं इसका डायमीटर निकाल सकती हूँ. लेकिन उसके पहले मुझे समझना पड़ेगा कि ये इंस्ट्रूमेंट होता क्या है. तो इसमें दो तरीके के दो चीजों को हम डिफाइन करते हैं. एक होता है हमारा पिच. पिच इज डिफाइंड एज कि जब मैंने इसको, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो ज़ीरो है सर्कुलर स्केल पे, जो ज़ीरो है सर्कुलर स्केल पे दैट इज एग्जैक्टली कंसाइडिंग विद दिस हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन द मेन स्केल. ये जो जिसको हम लीनियर स्केल बोल रहे हैं ये यहाँ पे देखिए, एक आपके पास वर्टिकल डिविजन्स है और एक आपके पास हॉरिजॉन्टल डिविजन्स है. हॉरिजॉन्टल डिविजन एक ही है जो लाइन है. तो दिस ज़ीरो इज कंसाइडिंग
with this horizontal line. और जब मैं इसको एक फुल रोटेशन देती हूँ तो इसमें और सर्कुलर स्केल पे कितनी डिविजन्स हैं हमारे पास, 100. देखिए 0 है, उसके बाद यहाँ पे 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है, ऐसे पूरा पूरा घूम के यहाँ पे देखिए यहाँ पे 90 है एंड कमिंग बैक टू 0. तो इस सर्कुलर स्केल पे हमारे पास 100 डिविजन्स हैं. और जब मैं इसको एक फुल रोटेशन देती हूँ जिससे कि वापस 0 जो है वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से कंसाइड करे, देन व्हाट वी नोटिस कि यहां पे जो लीनियर मोशन है वो एक डिवीजन से या एक एमएम से हो जाता है हमारा. मतलब ये जो वापस जो हमारे सर्कुलर स्केल का जो रिम है वो अब लीनियर की जो यहां पे जो लीनियर स्केल है उसकी फर्स्ट डिवीजन से कंसाइड कर रहा है. दोबारा करते हैं, ये अभी हमारा 0 इसके हॉरिजॉन्टल से कंसाइड कर रहा है. मैंने इसको पूरा एक फुल रोटेशन दिया और फुल रोटेशन के बाद जब मैं देखती हूँ कि ये जो सर्कुलर स्केल का जो रिम है, ये जो ये वाला है, इट इज कंसाइडिंग विद द फर्स्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल. इसका मतलब एक लीनियर स्केल से इसका मोशन हुआ है जब इसको फुल रोटेशन दिया है. उसको हम डिफाइन करते हैं पिच, दैट इज लीनियर डिवीजन, या कितना हुआ है वहां पे लीनियर डिवीजन मूव्ड अपॉन नंबर ऑफ रोटेशंस, नंबर ऑफ रोटेशंस. तो कितना लीनियर मोशन है, 1 mm का लीनियर मोशन है. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है यहां पे 0 से लेके 10 तक आपके पास 10 डिविजन्स हैं, दिस इज नथिंग बट 1 cm. तो जो छोटी हमारे पास डिविजन है दैट विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू 0.1 cm विच इज नथिंग बट 1 mm और 0.1 cm. और नंबर ऑफ रोटेशंस कितनी करी मैंने जिससे कि लीनियर मोशन 1 mm का हुआ, दैट इज 1 rotation. तो पिच कितनी आ गई मेरे पास, 1 mm. और लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज क्या होती है, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल. दूसरा पेज लेते हैं, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज इज इक्वल टू पिच ओवर नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल which is 1 mm divided by 100, that is 0.01 mm or 0.001 cm. Iska matlab, using this device screw gauge, I can measure till third place of decimal. मीटर स्केल में हम कितना मेजर कर पा रहे थे, टिल फर्स्ट प्लेस, क्योंकि उसका था 0.1 cm. वर्नियर कैलिपर से हम मेजर कर पा रहे थे टिल सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल, क्योंकि उसकी लीस्ट काउंट थी 0.01. और स्क्रू गॉज इज 0.001 cm, दैट इज वी आर एबल टू मेजर टिल थर्ड प्लेस ऑफ डेसिमल. इसका मतलब मैं एक छोटी से छोटी मेजरमेंट भी स्क्रू गॉज की हेल्प से कर सकती हूँ. आप देख सकते हैं कि यहां मेरे पास एक बहुत ही थिन वायर है जिसको कि अगर मैं कोशिश भी करूंगी मीटर स्केल से मेजर करने की तो बहुत मुश्किल होगा अगर मेरे को इसका डायमीटर मेजर करना है. लेकिन इसी वायर का डायमीटर मैं इजीली स्क्रू गॉज की हेल्प से मेजर कर सकती हूँ. अगर मैं वर्नियर कैलिपर से भी ट्राई करूं तो मुश्किल होगा, लेकिन स्क्रू गॉज की हेल्प से मैं इस वायर का डायमीटर इजीली निकाल सकती हूँ, क्योंकि आई कैन मेजर टिल
third place of decimal. ये हमारा हुआ स्क्रू गॉज. अब एक और चीज इसके अंदर हम देखते हैं कि यहां पे तो हमारा जो जीरो है सर्कुलर स्केल पे दैट इज कंसाइडिंग विद द हॉरिजॉन्टल लाइन. लेकिन कई बार क्या होता है कि जो स्क्रू गॉज है, अब आप इसमें देखिए, अगर स्क्रू गॉज के अंदर जो जीरो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कंसाइड नहीं करता. अब अगर हम इसके अंदर देखेंगे, यहां पे अगर इसको हम रीड करते हैं, जीरो जो है वो कहीं ऊपर लाई कर रहा है, दिस इज जीरो, और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है वो नीचे की तरफ किसी डिवीजन से कंसाइड कर रही है. दैट डिवीजन इज 87th डिवीजन. अगर हम काउंट करें, ये 70 है, ये 80 है, एंड दिस इज 87th डिवीजन. इसका मतलब दिस स्क्रू गॉज हैज एन जीरो एरर, बिकॉज द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज नॉट कंसाइडिंग विद द हॉरिजॉन्टल लाइन. जब मैं इसको पूरा बंद कर रही हूं तो सम अदर डिवीजन इज कंसाइडिंग विद द हॉरिजॉन्टल लाइन. दैट मीन्स दिस कंटेन्स एन एरर एंड दैट इज नोन एज जीरो एरर. नाउ हाउ टू इंक्लूड दिस जीरो एरर इन द ऑब्जर्वेशन. सबसे पहले हम देखते हैं कि इससे हम ऑब्जर्वेशन लेते कैसे हैं, और उसके बाद अगर जीरो एरर है तो उसको हम कैसे इंक्लूड करेंगे. सो ये हमने वायर लिया, वायर को हमने इसके बीच में होल्ड किया. सो वायर को हमने इसके बीच में होल्ड किया है ऑलमोस्ट इसके मिडल में होल्ड कर लिया, और ये वही वाला स्क्रू गॉज है जो कि सही है, जिसमें कि जीरो जीरो के साथ कंसाइड कर रहा है. तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो मेन स्केल डिवीजन है, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, ट्रू रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस एन इंटू एलसी. ओके, तो मेन स्केल रीडिंग क्या है हमारी, अब हम ध्यान से देखते हैं कि जीरो से आगे जब हमने इसको इसके अंदर होल्ड कर रखा है तो जो हमारा सर्कुलर स्केल का जो रिम है या एज है वो कौन सी वर्टिकल डिवीजन के साथ कंसाइड कर रहा है. तो अब हम देखते हैं, यहां पे जीरो से आगे स्केल चला गया है और आप देखेंगे फर्स्ट डिवीजन के आगे भी जो सर्कुलर स्केल है वो लाई कर रहा है. इसका मतलब फर्स्ट और सेकेंड डिवीजन के बीच में हमारा सर्कुलर स्केल लाई कर रहा है. ओके, तो अभी हमने देखा था कि जो फर्स्ट हमारी डिवीजन है वो कितने कॉरेस्पॉन्डिंग है. फर्स्ट डिवीजन इज 1 mm प्लस एन. एन क्या था हमारा वर्नियर कैलिपर्स में, दैट वर्नियर डिवीजन विच इज एग्जैक्टली कंसाइडिंग विद द मेन स्केल डिवीजन. तो यहां पे हम क्या देखेंगे, दैट वर्नियर डिवीजन विच इज एग्जैक्टली कंसाइडिंग विद दिस हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि मेन स्केल पे है. That vernier scale division which is exactly coinciding with the horizontal line. So, we can see that what is that division? That division is something 37. अगर हम magnifying lens को use करके इसको देखते हैं तो वो division हमारी आती है 37 के करीब. ठीक है, तो हम देखेंगे 37. तो 37 into लीस्ट काउंट कितनी है हमारी, अब हम क्योंकि हम एमएसआर को एमएम में ले रहे हैं तो हमें लीस्ट काउंट भी एमएम में लेनी पड़ेगी. कितनी लीस्ट काउंट है, 0.01 mm. सो 1 mm प्लस 0.37 mm, दैट मीन्स द वैल्यू इज 1.37 mm और 0.137 cm. दैट मीन्स the diameter of this wire is 1.137 cm, which we have taken with the help of the screw gauge. अब अगर हमारे पास zero error भी instrument में होता तो हम क्या करते, calculate करते हैं how to find out the zero error. Zero error दो तरीके का हो सकता है. Zero error can be positive and zero error can be negative.
सो अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है. पॉजिटिव जीरो एरर होता है जब हॉरिजॉन्टल लाइन ये है हमारी, ठीक है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है जो स्क्रू गॉज पे है, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है. जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन और जीरो एक लाइन में नहीं है और जीरो इससे नीचे लाई कर रहा है, जीरो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे लाई कर रहा है, उस एरर को हम बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर. व्हेन द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन द मेन स्केल इज नॉट कंसाइडिंग विद जीरो ऑन द सर्कुलर स्केल एंड जीरो इज लाइंग बिलो दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन द लीनियर स्केल एंड दिस इज द जीरो डिविजन ऑन द सर्कुलर स्केल. और यहां हमारी क्या है ग्रेजुएशन, वही जीरो एंड वन एंड सो ऑन. तो जब ये जो जीरो है, ये जीरो की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जब इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे लाई करती है, उस केस में हम बोलते हैं जो एरर हमारे इंस्ट्रूमेंट में है वो कौन सा है, वो है पॉजिटिव जीरो एरर. और जब ये जीरो ऊपर कहीं लाई करता है, उस केस में हम बोलते हैं जो एरर है इंस्ट्रूमेंट में दैट इज नेगेटिव जीरो एरर. पॉजिटिव जीरो एरर के अंदर जो भी, अब उसके अंदर हम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं कि यहां पे हमारी जितनी भी डिवीजन जीरो के ऊपर लाई कर रही है, लेट्स से अगर ये हमारी फिफ्थ डिवीजन कंसाइड कर रही है इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, तो इतनी वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अपनी ट्रू रीडिंग से, क्योंकि हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी ज़्यादा वैल्यू दिखाएगा, जो एक्चुअल वैल्यू है उससे ज़्यादा वैल्यू दिखाएगा. तो अगर अब हमने देखा कि हमारी ट्रू रीडिंग कितनी आई है, हमारी ट्रू रीडिंग आई है 0.137 सेंटीमीटर्स और जीरो एरर हम निकालेंगे पॉजिटिव जीरो एरर, वो हम कैसे निकालेंगे, उसका भी फॉर्मूला यही होता है एन इंटू एलसी. एन वर्नियर डिवीजन जो कि कंसाइडिंग है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ऑन द मेन स्केल, वो कितना है अभी हमारा 5, इंटू द लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट कितना है 0.001 सेंटीमीटर्स. और क्योंकि ये वैल्यू इसकी वजह से पॉजिटिव जीरो एरर की वजह से जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू, जो वैल्यू हमें दिखती है वो ट्रू वैल्यू से ज्यादा आ रही है, तो हम इस एरर को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो हम क्या करेंगे, तो ट्रू वैल्यू हमारी क्या आ गई, ट्रू रीडिंग आ गई है 0.137 माइनस 0.005 सेंटीमीटर्स, which comes out to be 0.132 centimeters. तो पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव करेक्शन, क्या मतलब, अगर पॉजिटिव जीरो एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर की वजह से जो वैल्यू है वो हमारी एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा आ रही है, तो इसीलिए हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसीलिए हम बोलते हैं नेगेटिव करेक्शन. सिमिलरली अब हमारे पास अगर नेगेटिव जीरो एरर है, नेगेटिव जीरो एरर मतलब जो हमारा जीरो है, ये जीरो है सर्कुलर स्केल पे और ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है मेन स्केल पे, तो जीरो जो है वो इससे ऊपर की तरफ है, ऊपर जा रहा है, इसका मतलब जो हमारी ट्रू वैल्यू है वो, जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है वो कम दिखाई देगी, तो हम नेगेटिव जीरो एरर को ऐड करेंगे अपनी एक्चुअल वैल्यू में जो हमने निकाली है. तो वही एग्जांपल लेते हैं, जो हमारे पास वैल्यू कितनी आई 0.17
137 सेंटीमीटर्स. और लेट्स से क्योंकि जीरो ऊपर है तो लेट्स से ये हमारे पास 95th डिवीजन है जो कि कंसाइडिंग है इस हॉरिजॉन्टल के साथ. तो हम कैसे निकालेंगे नेगेटिव जीरो एरर? नेगेटिव जीरो एरर का फॉर्मूला होगा अगेन 100 माइनस एन इंटू एच सी, दैट इज 100 माइनस एन. अब एन कितना है यहां पे? 95 डिवीजन है, 95th डिवीजन है जो कि कंसाइडिंग है. सो 100 माइनस 95th इंटू 0.001 सेंटीमीटर विच इज 5.001 सेंटीमीटर 0.005 सेंटीमीटर. तो हम नेगेटिव जीरो एरर या फिर और पॉजिटिव करेक्शन और पॉजिटिव करेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ कि इतनी वैल्यू को हमें अपनी जो रीडिंग हमने निकाली 0.137 उसके अंदर ऐड करना है. तो हमारी अब जो एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी? एक्चुअल वैल्यू विल बी आर ट्रू रीडिंग प्लस द 0.005 सेंटीमीटर्स विच इज 0.137 प्लस 0.005 सेंटीमीटर्स एंड विच इज नथिंग बट 1.2 सेंटीमीटर्स. इसका मतलब जो हमारी वैल्यू है एक्चुअल में वो कितनी है? 0.142, जो कि हमें कम नजर आई क्योंकि इंस्ट्रूमेंट में नेगेटिव जीरो एरर था. अगर इंस्ट्रूमेंट में नेगेटिव जीरो एरर नहीं होता तो हमारे को ये एक्चुअल वैल्यू नजर आती. सिमिलरली अगर इंस्ट्रूमेंट में पॉजिटिव जीरो एरर नहीं होता तो अगर इंस्ट्रूमेंट में पॉजिटिव जीरो एरर नहीं होता तो हमें एक्चुअल वैल्यू कितनी नजर आती? 0.132 सेंटीमीटर्स. तो क्योंकि पॉजिटिव एरर था इसलिए हमने उसके अंदर सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि वो हायर, क्योंकि वो नीचे था. इट वॉज शोइंग मोर देन द एक्चुअल वैल्यू एंड नेगेटिव एरर में इट वॉज शोइंग लेस देन द एक्चुअल वैल्यू. सो नेगेटिव एरर इज ऑल्सो नोन एज पॉजिटिव करेक्शन and positive error is also known as negative correction. So this is about the screw gauge. This is how we can measure the value or measure any instrument using the screw gauge, and we can also incorporate any errors which are there in the device. Thank you.